हाँ ये मैं धन्यवाद दूंगा अनुराग कश्यप जी को, जिनकी वजह से आई एम अटेंडिंग द फेस्टिवल पहली बार 25 साल के करियर में इतनी फिल्में की, बट फेस्टिवल में जाने वाली कोई फिल्म नहीं थी। तो थैंक्स टू मुक्काबाज, तो हम जोया विनीत हम लोग साथ में आए हैं। विनीत ने चूंकि अटेंड किए हैं फेस्टिवल्स, बट ये मेरे लिए पहला मामी फेस्टिवल है। तो आई थैंक मामी दैट दे हैव गिवन अस अपॉर्चुनिटी एंड दे आर ओपनिंग द फिल्म। मुक्काबाज से फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है जहाँ 200 फिल्में। तो वेरी वेरी लकी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। एक्साइटेड एंड टेरिफाइड। आप जोया हैं और जोया की ये डेब्यू फिल्म है। यस। आपका अनुभव कैसा रहा शूटिंग करने का? अपने घर में जब आपको इस तरीके का मौका मिलता है तो उसकी खुशी बड़ी अलग होती है, और ये बहुत ख़ास मौका है मेरे लिए। मामी में अपनी फिल्म ओपन कर रही है, ये एक बहुत ही स्पेशल। रवि जी, आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। अब मैंने ये ऐसा रोल बहुत सारे रूप धारण किए, लेकिन आई हैव नेवर प्लेड दिस रोल। आई एम प्लेइंग अ बॉक्सिंग कोच, और हम विनीत को ट्रेन करते हैं एज अ कोच। सो बहुत ही कमाल है, और द बेस्ट पार्ट है कि ये दलित बॉक्सर है, तो ये इसका एक जो टिपिकल अनुराग कश्यप पंच है सो वो है कहानी में। यूपी बैकड्रॉप की फिल्म है, और इसमें जिमी शेरगिल भी हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत कलाकार हैं। और कास्ट को लेकर ये बैकड्रॉप है फिल्म का, तो रियल लाइफ में उत्तर प्रदेश के जो कास्ट सिस्टम है तो उसको लेकर कितना मैच होता है, या क्या क्या टेक होगा? सी कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रूथ को, जैसे कि टिपिकल अनुराग कश्यप फिल्म होती है जो हार्ड हिटिंग होती है, कुछ फैक्ट्स जो रियलिटी चेक वाली कहानी है ये रियलिटी चेक पर है, और बहुत मज़ा आएगा लोगों को। इंटरटेनिंग है, बहुत सारा संगीत है, म्यूज़िक है, और उसके अंदर एक डार्कनेस है, एक ट्रूथ है जो बहुत लुभाएगा। इंटरनेशनली भी इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, सो हम मुंबई में इसको देखना चाहते हैं। आज क्या रिस्पॉन्स है? और उन्होंने मुझे एक्चुअली खोल दिया, उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी, उन्होंने पूरा मौका दिया मुझे कि रवि तुम आओ और खेलो अपने हिसाब से। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं वो किरदार को निभा लूँगा, और मेरे लिए टास्क था कि मैं उनके वाले सिनेमा में भी उनको जाके आई कैन सेटिस्फाई हिम, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी दैट यू नो रवि यू डन अ गुड जॉब, एंड थैंक गॉड दैट यू नो आई रियली बिकॉज ही वॉज वेरी वॉरिड टू कास्ट मी, कि रवि उनका एक फ्लैम पॉइंट वाली मेरी इमेज थी कि ये सुपरस्टार है और ये कैसे एक कैरेक्टर में मर्ज होगा, और या बट ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। देखते हैं, आज मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को देखने के लिए। रवि जी, और एक सवाल की पॉलिटिकल पार्टी से भी आप जुड़े रहते हैं, तो 2019 के इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं आप, और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप 2019 के इलेक्शन से, कहीं क्या कुछ धमाका होने वाला है या क्या कुछ बदलाव आने वाला है, आप बताइए आपके अंदाज में। अब मैं अभी ये टिपिकल मैं अभी पूरे फिल्म के मूड में हूँ, मैं डेफिनेटली आपको पॉलिटिकल आंसर दूंगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म आई बिलीव। सर लेकिन इतना बता दीजिए 2019 में अच्छे दिन आएंगे या आगे सी डेफिनेटली इधर अच्छे दिन हैं, पूरा देश जान रहा है अच्छे दिन आएंगे, और बीज बोते हैं उसके बाद एक पेड़ लगता है फिर फल आता है, इट्स एवरीथिंग गो स्टेप बाय स्टेप, एंड हम देश को उम्मीद है कि देश को बहुत आगे जाना है, और सब लोग इसमें बड़ी कर्मठता से ईमानदारी से हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी इज़ वर्किंग ऑन, एंड वी डेफिनेटली वी गोइंग टू डू अ गुड जॉब, वी आर ऑल हार्ड वर्किंग एंड वी आर सीइंग दैट दिस कंट्री शुड बिकम अ सुपर पावर। थैंक यू।